आप सभी का स्वागत है प्लांट्स एंड फ्लावर्स में। अगर आप एक गार्डनिंग लवर हैं, तो आपके पास गुलाब का प्लांट जरूर होगा, या फिर आपने कभी न कभी गुलाब का प्लांट अपने गार्डन में जरूर लगाया होगा। गुलाब का फूल बहुत ही खूबसूरत होता है, यह करीबन सभी को बहुत पसंद होता है। आज हम देसी गुलाब को कटिंग से उगाना सीखेंगे। सर्दियों में गुलाब को आसानी से उगाया जा सकता है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये मैंने गुलाब की कटिंग ली है। कटिंग 6 से 8 इंच तक की लेनी है। इसकी सभी लीव्स कट कर देंगे। ब्रांच ना ज्यादा पतली लेनी है ना ज्यादा मोटी लेनी है। बीज के साइज की लेनी है। अब इस तरह 45 डिग्री का एक कट लगाएंगे, जिससे इसमें आसानी से रूट निकल आए। अब इसको किसी ग्लास में 1.5 से 2 इंच पानी में डुबोकर रख देंगे। 4-5 दिन में पानी चेंज करना है। 10 से 15 दिन में इसमें रूट बनना शुरू हो जाएंगी। ये देखिए, इन सभी ब्रांचों को मैंने 15 दिन पहले पानी में डिप किया था। इसमें अब रूट बनना शुरू हो गए हैं। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी रूट निकल आई हैं। और नई नई ब्रांचेस भी ग्रो हो रही हैं। जिनमें रूट नहीं निकली है, हम उनको फिर से पानी में डिप कर रख देंगे और रूट वाली ब्रांच की रिपोर्टिंग करेंगे। इस तरह इसमें बीच में गड्ढा करके ब्रांच को बीच में रखकर लगा देंगे। धीरे धीरे प्रेस करेंगे, जिससे इसकी रूट डैमेज नहीं हो, और इसमें फुल वाटरिंग कर देंगे। सपोर्ट के लिए कुछ स्टोन लगा देंगे, जिससे ब्रांच हिले डुले नहीं। इसको तेज रोशनी वाली जगह में रखेंगे, जहां सीधी धूप आती हो। 3-4 दिन छोड़कर हल्की हल्की वाटरिंग करनी है। ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, ओवर वाटरिंग से ब्रांच खराब हो जाएगी। आज इसको 15 दिन हो गए हैं और इसमें ग्रोथ होना शुरू हो गई है। अब इसे 2 घंटे की सनलाइट में रख सकते हैं। जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे सनलाइट का टाइम बढ़ाते जाएंगे। जरूरत होने पर वाटरिंग भी करनी है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। करीबन 1 से 1.5 महीने बाद इस पर फ्लावरिंग भी होना शुरू हो जाएगी। फिर इसको बड़े पॉट में रिपोर्ट भी कर सकते हैं। आप भी गुलाब की कटिंग को उगा कर देखिए। गुलाब को कटिंग से उगाना बहुत ही आसान होता है। कमेंट करके जरूर बताएं कि किस किस की कटिंग ग्रो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।